सभी को गुड इवनिंग। हम आगे आपके एक दूसरी तीसरी प्रश्न करा दी है, 3.5 अंत में आ गए हैं। 1 से 4 सवाल किए थे, अब 1 से 5 यानी 1 से 5वां सवाल ले रहे हैं हमें 5वें से। और सभी से निवेदन है कि घर पर बैठ के पढ़ाई करनी है अच्छे तरीके से, केवल टाइम पास से नहीं करना है। इसमें दो फायदे, पढ़ाई भी हो जाएगी, टाइम पास भी हो जाएगा, ये पता भी नहीं चलेगा। आगे स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन था आपका गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड के बारे में पढ़ा था आपने, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसके अंदर देखो, यहाँ स्क्वायर का पद दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ आपके पास 1 2 3 पद दे रखे हैं। 3 पद दे रखे हैं, 3 पद वाले सूर्य संख्या 5वीं थी आपके पास, तो इनको कैसे लिखते हैं? 9 का होल स्क्वायर या 9 का गुणनखंड करेंगे, जैसे 3 गुणा 3 दो बार करते हैं, 3 2 बार हो गया, 3x का स्क्वायर, 4y, 2y का स्क्वायर, 16 वर्गमूल हो गया, 4z का स्क्वायर, प्लस इनको कैसे लिखते हैं? 2 गुणा 3x गुणा 2y लिखेंगे, 2xy, इनको yz है, 3 का पद 2yz लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसका? 2yz लिखते हैं। अब 2yz लिखा उसके अंदर, तो 2 गुणा 2y 4z प्लस 2 गुणा 4z गुणा 3x। अब इस आरोप सूत्र संख्या 5 बन गया, 5x² + y² + z² 5 सूत्र संख्या लगा देंगे। अब इसमें माइनस का पद आ रहा है, माइनस किसके साथ आ रहा है? देखो, वाई जेड के साथ, एक्स वाई दोनों के साथ आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या नहीं, तात्पर्य वाई का पद क्या है? माइनस में, तो वाई वाले के साथ स्थान पर क्या लगा देंगे? हमें माइनस का चिन्ह लगा देंगे। वाई के स्थान पर हम किसका चिन्ह लगा देंगे? माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो वाई के स्थान पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, वाई का पद क्या हो गया? माइनस में हो गया। अब आगे हमने जैसे स्टार्ट किया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड चेंज किस में करना है? ये दिया होता तब पीछे सवाल में, ये दिया होता तो इसमें चेंज किया था, ये दिया होता इसमें चेंज करना है। तो अभी इनका मान दे रहे हैं, एक्स का मान क्या हो गया? उसका वर्गमूल लेना, 3x हो गया। वाई का मान माइनस के 2y, और जेड का मान हो गया 4z। ये आपके आंसर हो गए। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, इसमें एक बच्चा है जो, अब जैसे छठा क्वेश्चन है इसके अंदर, छठा दे रहे 3a - 2b होल क्यूब, वो तो स्क्वायर था, इसमें होल क्यूब, तो होल क्यूब वाले सूत्र में कौन सी थी? x - y का होल क्यूब बराबर x³ - y³ - 3xy और इंटू एक्स माइनस वाई का मान था। अब इसके अंदर देखो, x का मान क्या दे रखा है? 3a दे रखा है, ये x हो गया, यानी x का मान हो गया आपके पास 3a, और y का मान क्या हो गया? 2b। तो x स्थान पर लिखते हैं 3a³ - y का मान 2b³, अब माइनस 3xy, तो 3 का 3, x का मान 3, y का मान 2a, और आगे ये लिख दिया। 3 को 3 बार गुणा करना है, 3 3 9 9 23, 2b को 3 बार गुणा करना है, 3 3 9 9 2 18, 18 ab, और इनसे गुणा करेंगे, 18 3 54, 18 गुणा 36, माइनस माइनस से प्लस। अब a को a से किया a² और b को b से, अब ये इस प्रकार के आपके आंसर आ गए। अब जैसे इसका अगला क्वेश्चन है आपके पास, हमने तीसरा क्वेश्चन लिया, उनके एक जैसे सवालों को आपको प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ दिया, आपको नहीं आया कमेंट से बता दोगे, क्वेश्चन दोबारा बताना है तो आपको पूरा क्वेश्चन बता दिया जाएगा। अब 2/5x + 3³ दे रखा है सूर्य संख्या, वो माइनस में थी, ये प्लस में, फर्क इतना ही है, यहाँ पर सभी प्लस लगाना है, उसमें माइनस लगाना था। तो एक्स का मान 2/5x, वाई का मान 3xy, 3 2/5x, एक्स का मान वाई का मान, 2/5 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 को 3 बार गुणा किया, 2 2 4 4 8, 5 को 3 बार किया 125, x³ प्लस 3 3 9 9 23 27 प्लस इनसे गुणा, 3 3 2 6 6 3 18, 5 का 5, अब इन दोनों से गुणा करेंगे तो 18 2 से क्या 36, 5 को 5 से क्या 25, x², 18 3 से करेंगे 54, 5 का 5, ये आपके आंसर हो गए। इस प्रकार आपका अगला क्वेश्चन 7वां, इसमें संख्या दे रखी है, पहले दे रखा है 96 क्यूब, इसमें आधार मानना है भी किसके पास संख्या है? 100 के पास नहीं, 100 से कम है तो माइनस कर लोगे, तो 100 में से कितना? 2 100 - 2 3³। अब उनके ऊपर वाले जैसे बन गया, क्या रूप बन गया इसका? x - y³ बन गया बराबर x³ - y³ - 3xy इंटू x - y। तो एक्स का मान तो 100 हो गया, तो 100 का क्यूब, 2 का क्यूब - 3 गुणा एक्स का मान 100, वाई का मान 2, एक्स 100 - 2, 100 को 3 बार गुणा करना है, यानी 6 0 आ जाएंगे उसके आगे, 1 के आगे, 2 को 3 बार 8, 100 को 3 से क्या 300, 300 2 से क्या 600 इंटू 100 - 2, अब 600 को 100 से गुणा करेंगे, 600 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस,
और माइनस का माइनस। अब माइनस प्लस वाले तो कितने हो गए आपके पास, इकाई ढाई चंगड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 1,200 जोड़ दिया और 60,000 8 जोड़ देंगे और माइनस वाले माइनस जोड़ दिया, अब दोनों को घटा दिए कि आपके आंसर प्राप्त हो गए। अब ऐसे एक और भी आ गया हमने इसका 103 का होल क्यूब, 103 का होल क्यूब या 103 का होल क्यूब के बाद आपने क्या हो गया, संख्या 100 के पास में तो इसमें ज़्यादा है तो इसमें जोड़ोगे 100 प्लस जिस संख्या के पास में ले लोगे, इसके पास ऐसे ले लोगे 17 कितना ज़्यादा कितना कम, इसके दो भाग बनाने पड़ेंगे सरसम का लगा, सीधा गुणा नहीं कर सकते हम, इसमें प्लस और सरसम का लगे। एक्स का मान 100 क्यूब, वाई का मान 3 का क्यूब, 3 का 3, एक्स का 100, वाई का 3, एक्स प्लस वाई 100 प्लस 3, 3 बार गुणा कर लिया, 3 को 3 3 बार, 900 900 100 से किया, 900 3 से किया, इस प्रकार से भी कभी जोड़ देंगे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 हम एक्स क्यूब प्लस 8 वाई क्यूब प्लस 6x का स्क्वायर वाई प्लस 12xy स्क्वायर, सेम टू सेम इसका ही हो गया ना रूप, ये देखो ये वाला रूप, इनको इनसे गुणा करिए, चार पद 1 2 3 4, चेंज किस में करना है, एक्स प्लस वाई क्यूब में चेंज करना है, यानी आपको विस्तार इसका दे रखा है, गुणनखंड में चेंज करना है। तो एक्स का क्यूब दे रखा है, तो एक्स का क्यूब 8y क्यूब का तात्पर्य हमने लिखा था ना क्यूब करके, तो 8 क्यूब का तात्पर्य क्या हो गया, 2 × 3 बार गुणा करना हो गया इसके अंदर, तो 2y का होल क्यूब प्लस 6x स्क्वायर वाई, 3xy बन गया इंटू एक्स प्लस वाई, इस तरह से लगे ना आपके पास ये एक्स क्यू वाई क्यूब 3xy एक्स प्लस वाई बराबर किस में चेंज करेंगे, एक्स प्लस वाई क्यूब, तो एक्स का मान एक्स हो गया और वाई का मान क्या हो गया 2y होल क्यूब, ये आपको चेंज करना था यानी उसके विपरीत करना। जैसे इसके एक क्वेश्चन और लिए हमने लास्ट का 125x³, तो इसका आप 5x का क्यूब करोगे, 64 का 4y क्यूब करोगे, माइनस वाई का कार्य करना, आप 3xy लिखते हैं, 3 का 3, एक्स का मान 5x, वाई का मान 4y और गुणा एक्स माइनस वाई, तो एक्स का 5x माइनस 4y, अब चेंज किस में करना है, एक्स माइनस वाई क्यूब में, एक्स का मान 5x माइनस 4y का क्यूब। इस प्रकार इस तरह समझ गए क्वेश्चन हो गए हैं, जो बच गए हो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है उस वालों को, क्योंकि गणित प्रैक्टिस करते हैं तभी ढंग से आती है पूरी। अब आगे हम लेते हैं 64a³ + 23b³, इसमें दो ही पद हैं, दो पदों की सरसम कौन सी होगी, a³ + b³, पर ये इसी सरसम का भाग है x³, इसका मान दे रखा है ना, इसका पक्षांतरण करते हैं प्लस माइनस हो जाता है, तो इनके यदि पूरी हल करते हैं तो 64 का क्या हो गया, 4 का घन होता है इसका, 27 का 3 का होता है, a³ b³ बन गई, तो a³ b³ मैंने शुरुआत में आपको वीडियो शुरुआत में सरसम बताई थी, इसकी सहायता से हल कर सकते हैं आप, भाई इनका मान दे रखा है इनको पक्षांतरण करने, या फिर आपको एक सरसम और बताई थी x³ y³, तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इनको पूरा हल करेंगे दे आंसर आ जाएंगे, और एक्स का मान 4 है और वाई का मान 3b, एक्स स्क्वायर 4a का स्क्वायर माइनस 4a गुणा 3b प्लस 3b का स्क्वायर, तो 4a प्लस 3b, 4 को 4 से किया 16a स्क्वायर, 4 को 3 से किया 12ab और 3 को 3 से किया 9b स्क्वायर। एक क्वेश्चन और लिया इसका 125x³ - 8y³, 125 का तात्पर्य 5x का होल क्यूब माइनस 2y का क्यूब, 5x सरसम का लगा देंगे, x का मान y का मान x का स्क्वायर x स्थान 5x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई 5x गुणा 2y प्लस y का स्क्वायर 2y का स्क्वायर, तो 5x माइनस 2y और 5 को 5 से किया 25, 5 × 10 xy और 2 को 2 से किया 4y², ये आपके आंसर है आगे। इस प्रकार आपके इस सरसम में पूरे क्वेश्चन हो गए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है क्वेश्चन क्या 10, इंपॉर्टेंट भी है, आपको स्थापित करना है यानी उसको सिद्ध करना है, आपको बाएं पक्ष अंदर x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये मान आपको दे रखा है 1/2 × x + y + z और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। अब जैसे हमने ये तो हल किया है पहले सरसम थी हमारे पास, अब इनके उत्तर भी इतने आने चाहिए तो हम दाएं पक्ष को काम ले लेंगे, ये तो वैसा वैसे ले लिया, अब इसमें होल स्क्वायर लगे सरसम का लगाएंगे, कौन सरसम का होगी, माइनस वाली हो गई सेकेंड, एक एक्स का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, अजय वाई माइनस जेड का लगाएंगे तो वाई का मान क्या आ गया इसके अंदर, वाई का स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड का स्क्वायर, अब ऐसे इनको हल कर लेंगे, जेड का स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर, ये मान तो ऐसे ऐसा आ गया, अब एक्स स्क्वायर भी कितनी बार है उसके अंदर, 2 बार हो गए जोड़ दिया, वाई भी 2 बार हो गए, जेड भी 2 बार हो गए
और आगे वाले दो अक्स वही है, तो सभी में से दो कॉमन आ रहे, तो दो कॉमन ले लिया सभी के अंदर से। अब दो से दो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये कार्य कब करते हैं, कौन सा रस्म का इस्तेमाल करते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस तीन एक्स वाई जेड बराबर होता है, तब ये रूप लिखते हैं इसका। आपको सर में याद होगी, याद करनी है सर का इतनी सीधा, या फिर बाएं पक्ष को हल करोगे तो बाएं पक्ष के बयान से इतने आएंगे उसको पूरा विस्तार देंगे तब। अब जैसे आगे वाला क्वेश्चन आपने काम लिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा दृष्टि से। यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हो तो आपको सिद्ध करना है या स्थापित करना है इसके बराबर तीन एक्स वाई जेड दिया हुआ क्या, आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो दे रखे, आपको बराबर में क्या सिद्ध करना है, जीरो या जेड सिद्ध करना है, तो आप इसको जेड को पक्षांतरण कर लो, एक्स को कर लो जेड को कर लो, ए को पक्षांतरण कर लो भी, इसमें प्लस जेड है तो माइनस का जेड। अब आपको क्या चाहिए, घन चाहिए, तो दोनों पक्षों का घन कर दो। घन आपने किया एक्स प्लस वाई का क्यूब बराबर माइनस जेड का क्यूब। एक्स प्लस वाई क्यूब कैसे खोलते हैं, सूर्य संघ बताई थी आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस तीन एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बताया था, ये मान वैसे वैसे आ गया तीन एक्स वाई का तीनों एक्स, एक्स प्लस वाई बराबर क्या था, पक्षांतरण किया था आपने, एक्स प्लस वाई को हटा दिया, यहाँ पर क्या रख देंगे माइनस जेड मान रख दिया, इनको गुणा करेंगे माइनस की तीन एक्स वाई जेड, कितना तीन एक्स वाई जेड आपको बराबर में चाहिए, तो माइनस जेड को इस साइड लेंगे प्लस इसको ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ही आपको ज्ञात करना था। आ गया हो गया सुनिए लास्ट क्वेश्चन, तीस का क्यूब प्लस बीस क्यूब प्लस माइनस पचास क्यूब उच्ची सरसम के सहायता से करना है, तो ये रूप ऐसा बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब, अभी अभी एक सरसम का लगाई थी आपने तीन एक्स वाई जेड, तो तीन का तीन एक्स का मान तीस वाई का मान बीस जेड का मान माइनस पचास, सभी गुणा कर देंगे 90,000। आगे प्रत्येक इसी प्रकार करने, अभी भी कोई प्रश्न में संशय हो या संशय नहीं है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ये क्वेश्चन दोबारे बताना है बता देंगे। और इस प्रकार हमें तीस प्रश्न पूरी करनी है। अब हम सोच रहे एक छोटे से टेस्ट के लिए आपको प्रश्न डाले जाएंगे जो आपको हल करके बताने हैं, और चैनल पर पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। धन्यवाद सभी को।